सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रसल वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पांच डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी कुछ हासिल करके रखा है लेकिन वो कभी भी नहीं बन पाए और कभी भी नहीं जीत पाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नंबर 5 पे आता है यहाँ पे अंडरटेकर का नाम। तो गाइज अंडरटेकर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करीब 2830 साल से काम भी कर रहे हैं और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी कुछ हासिल कर रखा है। उन्होंने काफ़ी सारे चैंपियनशिप जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, उन्होंने रॉयल नंबर भी जीत कर रखा है। उनकी अच्छी खासी लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी चली थी रेसलमेनिया के अंदर और उन्होंने काफ़ी सारा नाम भी कमाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन गाइज उन्होंने कभी नहीं जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नंबर 4 पे आता है मिक फॉली का नाम। तो गाइज मिक फॉली जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड भी है, उन्होंने भी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैरियर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी रहा। उन्होंने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीती भी है लेकिन आज वो भी कभी नहीं जीत पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नंबर 3 पे आता है ब्रॉक लेजनर का नाम। तो कहीं ब्रॉक लेजनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ हासिल करके रखी है। उन्होंने किंग ऑफ द रिंग जीत के रखी है, उन्होंने रॉयल नंबर जीत के रखी है, उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक भी तोड़ी थी, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत के रखी है, वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन ब्रॉक लेजनर अपने कैरियर के अंदर कभी भी नहीं जीत पाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और ब्रॉक लेजनर कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बन पाए अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरियर के अंदर। नंबर 2 पे आता गोल्डबर्ग का नाम। तो गाइज गोल्डबर्ग जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर भी बन चुके हैं और गाइज उन्होंने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी कुछ हासिल करके रखा है लेकिन गाइज वो भी ऐसे रेसलर जिन्होंने कभी नहीं जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नंबर 1 पे आता है जॉन सिना का नाम। तो गाइज जॉन सिना जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सब कुछ जीत के रखा, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, रॉयल नंबर, उन्होंने सारे कुछ जीत के रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन गाइज उन्होंने सिर्फ एक टाइटल नहीं जीती वह इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और एक टाइटल सिर्फ बचा हुआ। अगर ये टाइटल भी अगर जॉन सिना जीत जाते तो वो भी बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो गाइज कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप जॉन सिना को क्या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं। अब वीडियो सुना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करते हुए जाइएगा।